हेलो मेरे देसी चटोरों, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट आइसक्रीम, जो सबको ही अच्छी लगेगी। बच्चों की तो ये फेवरेट होती है। इसे आज हम घर के ही इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। हम सिर्फ दूध और दूध की मलाई से बिल्कुल मार्केट जैसी फ्लफी और क्रीमी आइसक्रीम बनाएंगे। चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप दूध की मलाई, चोको चिप्स, कंपाउंड चॉकलेट, ये दोनों ऑप्शनल है, आप डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं। 700 ग्राम फुल क्रीम मिल्क लिया है, 2 बड़े चम्मच मैंने कोको पाउडर लिया है, 1 कप मैंने चीनी ली है, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, इसमें दूध डालेंगे। दूध हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब कोको पाउडर और कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे गैस पे रख के चलाते हुए गर्म करेंगे। हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाएगा और ये जल जाएगा। हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो गया है, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। हम इसे तब तक चलाते हुए बॉईल करेंगे जब तक कि ये रबड़ी की तरह गाढ़ा ना हो जाए। साइड्स पे जो दूध लग जाता है उसे भी हम हटाते रहेंगे। उबल के हमारा दूध आधा हो चुका है, ये बिल्कुल रबड़ी की तरह गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें कंपाउंड चॉकलेट के टुकड़े करके डालेंगे। आप डेयरी मिल्क भी डाल सकते हैं और ना भी डालें तो भी चलेगा। एक मिनट में ही चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और आइसक्रीम के बैटर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। बैटर जब ठंडा होगा तो ये गाढ़ा भी हो जाएगा, तब हम इसे एक मिक्सर जार में डालेंगे। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें हम बैटर डालेंगे। बैटर बिल्कुल ठंडा होके गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप दूध की मलाई ऐड करेंगे। मलाई को मैंने 1 घंटे पहले फ्रीज़र में रख दिया था।
मलाई डालने के बाद मिक्सर को एक मिनट के लिए चला लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आइसक्रीम का बैटर रेडी है, इसे अब हम एक कंटेनर में डाल देंगे। ये बहुत ही स्मूथ और फ्लफी बना है। अब हम इसके ऊपर चोको चिप्स डालेंगे। आप डेरी मिल्क को या कंपाउंड चॉकलेट को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम इसे 5-6 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। छह घंटे हो चुके हैं, अब हम आइसक्रीम को फ्रीजर से निकाल लेंगे। मैंने इसको 2-3 मिनट पहले निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख लिया, जिससे थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसको एक बॉल में निकालेंगे। आइसक्रीम पे चोको चिप्स और चॉकलेट सिरप डाल के इसको गार्निश करेंगे। आपके लिए स्पेशल टिप, जब भी दूध की मलाई को बैटर में डालें तो उसे आधा या एक घंटे पहले फ्रीजर में जरूर रखें, नहीं तो जब आप उसे बैटर में डालेंगे तो उसका मक्खन निकल जाएगा। हमारी चॉकलेट आइसक्रीम बनकर रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसी ही इजी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।